हाय हेलो, कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये पबजी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कल रात मैंने लगभग अपने 2-2.5 घंटे बर्बाद किए हैं इस गेम पर। सरकार ने बैन कर दिया, बट फिर भी आज भी ये पबजी चल रही है, यकीन नहीं आता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैं ROG फोन 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैंने पबजी मोबाइल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। मेरे पास 2 नेटवर्क हैं, एक जियो और दूसरा एयरटेल। चलिए सबसे पहले एयरटेल पर टेस्ट करते हैं। मैं एयरटेल की सिम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिग्नल आ गए हैं, 4G के साथ ये कनेक्ट हो गया। चलिए पबजी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या इस नेटवर्क पर पबजी लोड होती है, चलती है। चलिए गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। आपकी जिज्ञासा के लिए बता देता हूँ, मैंने मोबाइल नेटवर्क को ही ऑन किया है, वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ बंद है, तो काफी आराम से दोस्तों एयरटेल पर पबजी लोड हो गई है। काफी सारा लैग मिल रहा है बट पबजी चल रही है। तो क्या मतलब रहा दोस्तों यहाँ पर इसको बैन करने का, जब पबजी चली रही है तो किस बात का बैन, किस बात का इसका रिटर्न? तो एयरटेल पर तो पबजी चल रही है। चलिए गेम को करते हैं बंद और अब चेक करते हैं ऑन जियो। मैं एयरटेल की सिम को निकालने जा रहा हूं और जियो को लगाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं कि जियो पर क्या पबजी चलती है। आप क्या सोचते हो? जब तक नेटवर्क नहीं आ रहा है तब तक कमेंट करके बता सकते हो। चलिए चलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखा देता हूं कि अगर मैं नेटवर्क को बंद कर दूं, मैच भी पॉज। तो चाहे मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ही पर पबजी आराम से चल रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पबजी ऐसे वापस आएगा वैसे वापस आएगा, माइक्रोसॉफ्ट से इसकी बात चल रही है, जियो से, पेटीएम से, अलाना से, फलाना से, तो ज़रूरत क्या है? चल रहा है ना फ़ोन पर, तो व्हाट इज दिस, क्या है ये? बाकी दोस्तों ऐसा नहीं कि पबजी हमेशा चल रही है। मैंने कुछ समय पहले एयरटेल के थ्रू खेलने की कोशिश की थी तो मुझे कुछ इस टाइप की एरर देखने को मिली। तो ऐसा नहीं कि हमेशा चल रही है, बट आज तो चल रही है, आप सभी लोगों ने देखा एयरटेल पर चल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। अगर आप में पेशेंस है तो खेल लीजिए। बाकी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने अपने सारे सर्वर इंडिया में बंद कर दिए हैं, तो स्पीड आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है। ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो मे भी आपको लैग हैंग देखने को मिले। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई यहाँ पर VPN यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली जियो या फिर एयरटेल मुझे कनेक्शन दे रहा है मैं उसी से प्ले कर रहा हूँ। तो नॉर्मली आप प्ले कर सकते हो और इवन अगर आप यूट्यूब में देख भी रहोगे तो काफ़ी लोग अभी भी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो नो डाउट गेम चल रही है, बस पेशेंस आप में होना चाहिए। तो फिलहाल आज के वीडियो का कहने का मकसद यही है कि पबजी वापस कैसे भी आए ना आए, बट अभी भी हम लोग इंडिया में इस गेम को खेल पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि सरकार का जो यहाँ पर डिसीजन था, जो यहाँ पर रूल आउट उन्होंने किया था कि इस गेम को बैन कर दिया जाए, उस पर 100% तो नहीं, अराउंड 30-40% काम हुआ है, लोगों ने खेलना बंद किया है, बट अभी भी 50-60% लोग इस गेम को खेल रहे हैं, कोई बैन नहीं हुआ। ऑपरेटर्स गेम को अलाउ कर रहे हैं, कई बार कोई ऑपरेटर ब्लॉक कर देता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कह के मैसेज मिल जाता है, बट
अमूमन ये चल रही है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद कर रहे हो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी जान पाए कि गेम चल रही है। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।